Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग एक खतरनाक horror game खेलने जा रहे हैं, जिसके दो part मैं already complete कर चुका हूँ और अब आ चुका है उसका part 3, The Baby in Yellow. आप लोग को याद होगा ये वही horror game है जिस game के अंदर हमारे parents, हमारे मम्मी पापा हमें घर के अंदर अकेले छोड़कर चले गए थे और हमें अपने छोटे भाई का ध्यान रखना है, जो कि इतना ज्यादा छोटा बच्चा है कि वो खुद उठ के दूध तक नहीं पी सकता है. मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वही बच्चा इस गेम का भूत है. I mean भूत नहीं है, बट हाँ वो कुछ ईविल टाइप खतरनाक चीज है और वो सिर्फ हमें ही परेशान करेगा. लेट्स गो, बातें कम करते हैं, जल्दी से चलते हैं गेम में. बट हाँ यार, गेम में जाने से पहले ना नीचे जो प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको दबा देना, आ जाओ. वेल, तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने स्वीट होम में और वो बैठा सामने हमारा प्यारा सा छोटा भाई. वेट, ये बिल्कुल प्यारा नहीं है. ये देख रहे हो कैसे घूर घूर के मुझे देख रहा है. मन तो करता है उसको उठाऊं और यू, अरे रुक जाओ भाई, अभी सही में ही चले जाता. मतलब ऐसे छोटे बच्चों खिलाते हैं ना यू, इसको खिलाने का मन नहीं करता. अरे इसका सर बिड़ा तो ऊपर. ओ भाई नहीं यार, इतनी हरकत नहीं करनी, बेचारा बुरा मान जाएगा. ओके, नाइट वन, फीड द बेबी, गेट बॉटल फ्रॉम द फ्रिज. ठीक है, ये अपना किचन, मुझे इसको दूध पिलाना है सबसे पहले, क्योंकि रात हो रही है तो सोने का टाइम इसका हो गया. ले भाई, फटाफट से ये दूध पी ले और हमेशा की तरह इसने अपनी नैपी गंदी कर दी. भाई इस गेम में ये टास्क है, इसे दूध पिलाओ और फिर इसकी नैपी चेंज करो. मतलब एक बेबी सिटर का वैसे यही काम होता है. रुक जाओ, इसको यूं फेंकूं, बैठ वहां पर, आ रहा हूं मैं 2 मिनट. एक बच्चे को ऐसे भाई ट्रीट कर, ये अपनी पुरानी हरकतों से नहीं सुधरेगा ना, गायब हो गया. मतलब ये नॉर्मल हो चुका है, ये मैं मान रहा हूँ एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, बट मेरे लिए नॉर्मल हो गया. हमेशा ये ऐसी हरकतें करता है, अभी तो ये बस ट्रेलर है, अभी देखते जाना है क्या क्या हरकतें करेगा. ले भाई न्यू नैपी पहन ले. नहीं हंस मत, प्लीज़ हंस मत भाई, बड़ी गंदी तेरी भैंस की, हंस मत, गंदी तरह हंसता है. ठीक है, पुट बेबी टू बेड, टेक. ओके ठीक है, मेरे को इसके बेड पे लेकर जाना है जो कि ऊपर है. और ये क्या चीज़ है, बिल्ली आई है क्या घर में? पैर तो उसी के लग रहे हैं. ठीक है, तो ये इसका बेड है, मैं इसको इस पे रख देता हूँ, मतलब बिठा देता हूँ. और फाइंड द स्टोरी बुक एंड सिट डाउन. वाह, नई नई चीज़ें आई हैं. दरवाज़ा बंद कर देते हैं, इसको शायद से कहानी सुनानी है तभी ये सोएगा. ठीक है, ले भाई मैं द प्रिंस एंड द कैट. ओ वाह, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ी. Across the shore, in distant lands. ना मुझे नहीं पढ़नी, फटाफट पर हंसने लग गया वो. हो गया, जल्दी खत्म करो भाई, इतना टाइम नहीं है. ओके, पढ़ ली, सो गया. ओ सच्ची में सो गया. ओ मैंने तो बस वैसे पन्ने पलटे थे, बाकी ठीक है. लीव एंड क्लोज द डोर, हम यहाँ से चलते हैं. बाकी दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया. अभी फटाफट से मुझे भी चल के थोड़ा बहुत चिल एंड रिलैक्स करना चाहिए. बाकी ये जो बेबी है ये नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा तंग करता है, सो जाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इस रात हमारे साथ क्या बुरी हरकत करने वाला है. डन, वो जाग चुका है. बाकी ये क्या चमक रहा था सामने? अ सोल ट्रैप बाय द बेबी इन येलो हैज बीन सेट फ्री. अरे आ रहा हूँ यार, ऊपर एक सेकेंड रुक जा. वो रोए जा रहा है भाई, शायद से उसकी नींद खुल गई है. मेरे को कोई दरवाजा खुलने की आवाज आई है. वेट. ओह, वो यहाँ से गायब हो चुका है अभी. ठीक है, ये क्या पड़ा है? अच्छा नहीं, ये नहीं है, वो यहाँ से गायब हो चुका है. शायद से वो नीचे चला गया, जिस तरीके से आवाज आ रही. भाई ये मैं यार, देखो चल वापस, चल पुट बेबी टू बेड अगेन, वापस लेकर चलना है मेरे को इसके. भाई पागल है क्या तू, यहाँ नीचे कैसे आ रहा है? एंडरमैन है, टेलीपोर्ट हो जाता है कहीं पर भी. ये ले यहाँ पर बैठ. अरे फिर से किताब तो नहीं पढ़नी. पुट द करेक्ट प्लशी इन द कॉट. ये ले, ये लेगा. ओह खुश हो गया. ठीक है, अभी फटाफट से मैं बंद करता हूँ और हम लोग चलते हैं वापस से नीचे. दरवाज़ा ओपन हुआ ना, एक सेकेंड, तू सोएगा नहीं क्या? मैं जा रहा हूँ यार, दरवाज़ा मत ओपन कर, मैं जा रहा हूँ. मेरे को ऐसा ये अपने आप ओपन कर ले रहा है यार. ठीक है, अभी नहीं हुआ ओपन. ठीक है, फटाफट से चल के बैठते हैं यार वापस से. ये भी बुरा हाल करने वाला है. नाइट वन थी अभी बस, अभी आगे पता नहीं क्या हरकतें होने वाली है. नाइट टू, फीड बेबी, गेट बॉटल फ्रॉम द फ्रिज. बट बेबी है कहाँ पर? एक सेकेंड, मैं पहले तो बॉटल ले लेता हूँ ना फ्रिज से. खोल इसको, बॉटल गायब. वाओ, फाइंड द बॉटल. यार एक तो किचन इतना ज़्यादा प्यारा है ना, कुछ पूछो मत. ये क्या है ये तो? ओह वेट, मैंने गलती से प्लेट तोड़ दी, ग्लास वगैरह. ओह नाइस, मैं सब तोड़ सकता हूँ. बाकी हाँ, अभी मुझे बॉटल ढूंढनी है. यहाँ पर तो नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, और यहाँ पे भी बॉटल नहीं है. वेट, अरे कहाँ छुपा दी? इसके अलावा तो ये रही. ठीक है, बॉटल मैंने पकड़ लिया है. बेबी को ऊपर, मैं ऊपर जा रहा था, पता चला ये नीचे खुद आके बैठ गए.
तो बोतल ही ले लेता ना फ्रिज से ले ले ठूस भाई चेंज हुई थी एक बेबी टू मैं लेके जा ही रहा था मुझे पता था इसकी नैपी तुरंत गंदी हो जाती है बैठ वहां पर अरे भाई वो भी तो चले जाता नीचे यहाँ पे बैठ जा ठीक है मेरे भाई अब मैं तेरी ये नैपी लेकर आता हूँ फट ये क्या हो गया इसको अरे भाई उसकी आईज आ गई और वो भाग रही है मेरे से यार ये पता नहीं क्या क्या वहीं से बैठे बैठे कर रहा कहाँ गई फ्रिज के अंदर से जाने की ओ वो ऊपर थी भागी 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 ये देखो कैसे रुक अरे यार ये बड़ी ज्यादा गलत चीज है हरकतें नहीं अरे 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 कहाँ जा रही है ये मैं तो लाइन दिख रही है वो लोग कर पा रहा वरना तो गायब हो जाए कब की ये रही अब पकड़ना है मेरे को उसको बेड से मेरे हिसाब से लेफ्ट को भागेगा मैं लेफ्ट में एम रखता हूँ चल 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 अरे ये क्या हुआ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो गया भाई इसका तो दीवार पे भिड़ गई अभी ले चल सकता हूँ ना ये क्या चीज़ है इन एमरजेंसी ब्रेक ग्लास ओ कुछ तो काम की चीज़ है शायद से बाकी इसको लेकर चलते हैं उसे पहनाने के लिए भाई ये कैसी नैपी है उसकी आईज घूम रही है दो दो ये गायब ना हो गया बस है ना तू डन ले पहन इसको पुट बेबी टू बेड टेक अबे भैया इसको वापस से लेकर चल ओ वेट ये आ रहा है अपने असली रूप में इतनी जल्दी मत कर भाई अभी बहुत टाइम है चुपचाप फटाफट से चल भाई साहब कसम से अभी ना बहुत ज्यादा रुलाने वाला है यहाँ पर बैठ जा दोबारा से स्टोरी सुनानी है नहीं यार ये फालतू है मतलब मेरे को इसको स्टोरी सुनाने का मन नहीं कर रहा ले इसको जल्दी से खत्म कर दूंगा इस बारी कुछ न्यू स्टोरी है पन्ने पलट इसने मेरे से बुक खींच के फेंक दी कौन सी जादुई पावर है भाई इस पे ठीक है इसको ये देना है ना मुझे ये ले इससे खेल ले ओ भाई ये क्या करता है वापस बिना हाथ लगाए फेंक देता है ये ले इससे खेल ले ओ यार हंसा मत कर भाई हंसा मत कर बस सब ठीक है मैंने उसको एक दूसरा टॉय दिया वो उससे खेल रहा है अब वापस चलते कंटिन्यू रीडिंग ओ मेरे को पोएम भी सुना मतलब स्टोरी सुनानी है ठीक है यार वो इतनी सी चीज से खुश नहीं होगा मुझे स्टोरी भी सुनानी पड़ेगी ये री बुक दोबारा बैठता हूँ और उसको स्टोरी सुनाता हूँ ताकि ये फटाफट से सो जाए ले भाई पता नहीं स्टोरी भी कैसी कैसी खतरनाक सी है बिल्कुल अजीब सी और वेट सो गया वाह 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 ठीक है अब फटाफट चलते हैं अब ज़्यादा हरकतें नहीं करनी मैं जा रहा हूँ भैया भाग के नीचे दरवाज़ा ना ओपन हो जाए दोबारा से वरना बैंड बजने वाली है बहुत ज़्यादा गलत फटाफट से सोफा पे बैठते हैं टीवी देखते हैं और एक सेकेंड डोर पे कौन आया है हेलो खोल ना मैं ओह कोई ओ ये क्या है ये नीचे कैसे आया पहली बात तो ये उसके रूम में था और ये सब क्या है भाई यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है वो नीचे आया था और कुछ भाई भाई कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसा लग रहा है ये खुद चल के आ गया नीचे बाकी हाँ डोर की बेल बजी थी और शायद से कोई हमारे लिए ये देकर गया मतलब देकर नहीं गया शायद से हमने ऑर्डर करा था तो इसको उठा के मुझे टेबल पे रखना है ये मैंने रख दिया डन है बाकी ये अरे वो टेडी कहाँ गया भाई यहाँ आकर वो बैठा था मैंने देखा है वो बाहर चला गया क्या कहाँ है भाई ओ भैया मैं जा रहा हूँ यार ये कुछ भी हो रहा अभी तो बच्चा डरा रहा था टेडी वेडी भी अचानक से आने लग गए हैं यहाँ कुछ चमका ये ले लेता हूँ बिग हेड मोड अनलॉक क्या होने वाला है भाई पता नहीं यार पूरे घर में ये कहीं कहीं पर फ्री सोल है इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ शायद कहीं ना कहीं तो काम आएगी खैर ठीक है यार लगे हाथ में सो भी जाते हैं पता नहीं क्या ही हो रहा है यार ये ओके गाइस तो बारी है नाइट 3 की चिल आउट वॉच टीवी ऑन सोफा ठीक है सेटल करने जाना पड़ेगा उसे क्योंकि वो रोने लग गया मैं आ रहा हूँ ऊपर और अब तू नीचे मत आ जाइयो बस मैं ऊपर आ रहा हूँ चुपचाप से अंदर ही मिलियो मेरे को पता नहीं गायब हो जाता यार अचानक से है ओ वाओ है शांत हो जा आराम से कुछ देना है इसे अच्छा बस जाना है ठीक है बंद करा दरवाज़ा और अब मैं चलता हूँ फाइंड समथिंग टू ईट Perhaps a cheesy toasty. ठीक है हमें यानी भूख लग रही है और कुछ खाने पीने का सामान हाँ हमने ब्रेड मंगवाई थी ना ये मैं खा सकता हूँ बाकी यहाँ पर एग है एक को मैं डस्टबिन में डाल दूंगा ओह सही में जाके फूड के भाई कितने सारे यहाँ पर वेट एक सेकंड ओह नाइस एग मस्त है बाकी फ्रिज में भी बहुत सारा सामान है तो सबसे पहले तो मुझे ये टोस्टर ओपन करना है यहाँ से ब्रेड लेकर इस पे रखनी है और इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है जैसे कि यहाँ पर ये क्या है पता नहीं शायद से हैम पता नहीं क्या होता है मेरे को सच्ची में नहीं पता बाकी यहाँ पर ये टोमेटो है इसको रख देता हूँ साथ में यहाँ पर ये मशरूम है मशरूम रख देता हूँ साथ में यहाँ पर अनियंस है अनियन स्लाइस रख देता हूँ और चीज़ है चीज़ तो भाई डबल जाएगा डबल चीज़ डाल सकता हूँ ट्राई करता हूँ डबल चीज़ डन डबल चीजी बनाने वाले हम लोग और एक ये अचार है अचार ओ वाह अचार भी चले जाएगा नाइस ये मैंने नहीं सोचा था बाकी ठीक है काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी हैं इसको फटाफट से बंद करते हैं ये अपना एकदम मस्त बनने लग गया ओ तेरी ये क्या हो गया फीड मी भाई
वो कह रहा है तू नहीं खाएगा, पहले खाना ला के मेरे को दे, मैं प्लेट फेंक के मार दूंगा मुंह पे तेरी भैंस की। ये ले ले, फीड मी ना, ये ले। करना क्या है मुझे अभी? ओ उसको दूध पिलाना होगा ना उसकी बोतल। वेट, फ्रिज के एकदम अंदर जाके पड़ी है। हेलो, अंदर जाऊंगा ये दरवाजा पक्का बंद होगा। बंद मत होइयो। ओ नहीं हुआ, मैं जा सकता हूँ? एनीवेज वैसे मेरे को बोतल लेना है, तो बोतल उठा कर निकलते हैं ना, लगे आती अगर बंद नहीं हो रहा तो। हो ही गया, मेरे को लग ही रहा था। अब आगे रास्ता बंद है, हम लोग फ्रिज के अंदर फंस चुके हैं, कुछ अलग ही दुनिया में आ गए हैं भाई। वेट, ये क्या बना पड़ा है? इतने सारे रास्ते, मेज है ये तो प्रॉपर एक। वेट, किधर से मैं आया? इधर से हूँ, जा इधर करो। वैसे नहीं, सिंपल रास्ता है, देखने में थोड़ा सा सिमिलर सा, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। बट हाँ, बहुत छोटा सिंपल मेज था। और एक सेकेंड, ये मैं कहाँ से आ रहा हूँ बाहर? अपना घर नंबर 10 था और मैं निकला हूँ फ्रिज से, गया और 9 नंबर गेट से बाहर। कुछ भी हो रहा है भाई। ओए, उस सामने आकर बैठ गया और घर की वाइब भी चेंज हो गई है। ये ले, दूध पी ले, कोई भी चिल्लाना नहीं है। गुस्से में देख रहा ना, निकल यहाँ से, घर से बाहर निकल तू भैंस की। इधर ले और निकल, उधर बंद करो। पर गेम एंड करने के लिए उसकी जरूरत, आज आ जा, मजाक कर रहा हूँ ना, नहीं भगाऊंगा। चल यहाँ से भाई, इतनी बुरी तरह देखते रहो। चेंज बेबी, टेक बेबी टू टेबल। हाँ चल वहाँ पर बैठ, और बैठ गया। वाओ निशाना, लेट्स गो। ये नैपी लेकर चलता हूँ चेंज कराने के लिए। एक तो मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ, ऊपर से मेरे को परेशान करे पड़ा। और ये क्या खुला बॉक्स? वेट, वो हो गया पागल भाई। आई आई आई, ये क्या लग रहा है मेरे? अरे ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड, क्या करना है मेरे को? ब्रेक दी इमरजेंसी ग्लास अपस्टेयर्स। ओ मुझे ऊपर जाना है। ओ भाई भाई भाई, पूरे घर को क्या हो गया ये? मुझे इमरजेंसी ग्लास था ना, वो तोड़ के मुझे उसमें से कुछ ये निकालना है। ये शायद से काम की चीज़ है। कहाँ है तू? अरे कहाँ गया? अरे 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 अरे, वो शायद से नीचे है, अभी तक तो ऊपर ही था। ये ले। ओ तेरी, हो गया। पागल है भाई ये कैसा था निपल था? ठीक है, वो शांत हो चुका है। पुट बेबी टू स्लीप, टेक बेबी टू बेडरूम। ओके, इसे बेडरूम तक वापस लेकर। नहीं, ओ ये हम कहाँ गए अंधेरे में? ओ कहानी सुननी है? मैं सुना देता हूँ, तो पढ़ना वढ़ना तो आता नहीं है, ला मैं पढ़ू। ये क्या हो रहा है यार? रूम में जा चुका है वो, मेरे साथ कुछ अलग ही सरप्राइज होने वाला है। वेट, हेलो गुड बेबी। आओ पे, इतनी एक्टिंग क्यों करते हैं फिर? बैठे रहे चुपचाप, ठीक है। मेरे को ये क्या है? ट्रेन ट्रैक भाई, मैं जा रहा हूँ यार। ओ नहीं, मेरे को पहले इसके कोर्ट में एक इसके लिए परफेक्ट टेडी रखना होगा। ये लेगा शीप। ओ खुश हो गया, वाह। एक एक करके सारे दिखा दिए। लॉक क्यों है ये? इसको मैं ओपन कहाँ से करूँगा? अच्छा, मेरे को पहले से प्रॉपर सेटल करना होगा ना। इसको कहानी सुना देते हैं, फिर ये खुश हो जाएगा, मतलब जब सो जाएगा तो मैं ऐसे फटाफट भाग लूँगा भाई। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। वेट, ओह नहीं, अरे यार ये बच्चा है या क्या है? तांत्रिक है भाई। हेलो भाई, आवाज़ कैसी आ रही है? गया मैं, हमेशा की तरह ऐसी एंड होता है इस गेम का। गुड नाइट। ओके तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको द बेबी इन येलो पार्ट 3 का ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यार ये गेम तो मस्त है, पर ये बच्चा हर बार जीत के चले जाते हैं, हम लोग कभी एस्केप नहीं कर पाते इससे। उसी पार्ट में बहुत ज्यादा मजा आता है। बाकी आपको ये गेम कैसे लगते हैं कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।